गुड। चलिए, तो पिछली क्लास में हम क्या देख रहे थे? पिछली क्लास में हम देख रहे थे भाग, ठीक है, किसका? पूर्णांकों का। पूर्णांकों का भाग देखा था, और फिर उसके बाद हमने भिन्न भी पढ़े थे। तो पहले भाग को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक सवाल दे रखा है कि माइनस के 625 को भाग दो 105 से, तो कैसे काटेंगे? दोनों संख्या 5 से कटेंगी, क्योंकि दोनों के आखिरी में 5 है, तो 5 से ही कटेगा। काट दो, 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? 2 बार ही। 5 दूनी 10, 5 कितनी बार आता है? 1 बार ही। 5 एकम 5। 5 के पहाड़े में 6 तो आता नहीं है, 6 नहीं आता, लेकिन 5 तो आता है। कितनी बार? 1 बार। 5 एकम 5, 6 में से 5 गए, 1 बचेगा। ये 2 के साथ लग गया, अभी 12 बन गया। फिर 12 है, 12 तो आता नहीं है, 10 आता है। कितनी बार? 2 बार। 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएंगे, 2 बचेगा। अब 2 5 के साथ आ गया, कितना हो गया? 25। 5 पंजे 25, 5 5 जाए 25, माइनस का 125/11, 21, सॉरी, ठीक है, 125 माइनस का बटे 21, क्योंकि इसके आगे अभी कटेगा ही नहीं। यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, माइक ऑन करके आप बोलो, आया है तो यस, नहीं आया तो नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने सीख लिया था, उसके बाद हमने देखा था भिन्न क्या होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होते हैं। भिन्न क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी हमारा अंश होता है, न्यूमरेटर, और क्यू हमारा होता है हर डिनोमिनेटर, उसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 3/5, कुछ भी हो सकता है, जिसमें ऊपर नीचे कोई दो संख्या होनी चाहिए, ऊपर भी एक संख्या और नीचे भी एक संख्या, ठीक है। इस टाइप की जितनी भी संख्या है सब भिन्न कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता था हमारा भिन्नों के प्रकार। भिन्न के प्रकार कितने प्रकार होते थे? भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है हमारा उचित भिन्न, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे कहते हैं। क्या होता है, कोई बताएगा मुझे उचित भिन्न क्या होता है? माइक ऑन करके कोई भी बताओ, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताएगा क्या होता है? मैम, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो। वेरी गुड, वेरी गुड। कविता के नाम से बच्चा, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वही हमारा उचित भिन्न होता है। जैसे 3/5, 4/6, ठीक है, 1/2, सारी संख्याएं हमारी क्या है, किस तरह के भिन्न है? ये उचित भिन्न है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बताओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैम, कोई और जिसमें बताओ। हर बड़ा और हर छोटा हो। हाँ, मनीष के नाम से बच्चा, बेटा आप बताओ। मैम, जिसका हर छोटा और मैम अंश बड़ा हो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसका अंश बड़ा हो और हर हर छोटा छोटा हो, हो मैम। गुड, वेरी गुड बेटा। हाँ, ऐसे रिस्पॉन्स करो, उसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही उल्टा कर लो, 5/3, 6/4, 8/5, ये सभी हमारे अनुचित भिन्न है, ठीक है, सबके सब अनुचित यस भिन्न। मैम। तीसरा और आखिरी भिन्न होता है हमारा मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, या इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। नमस्ते। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। हाँ नमस्ते बेटा, अब बताओ क्या होता है मिश्र भिन्न? अंश बड़ा हो और छोटा। नहीं, इसमें बड़ा छोटा वाला नहीं आता। जैसे कोई है जो बताएगा? मिश्र भिन्न दोनों से अलग होता है, दो दो से ही 1/2। 2 से ही 1/2। तो हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे? हम बोलेंगे कि इस तरीके का भिन्न, वह भिन्न, वैसे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया, वेरी गुड, वो भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या के साथ जब एक उचित भिन्न आ जाए, उसी को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। यही तो परिभाषा है।
बस एग्जाम्पल देख लो आप कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए और साथ में उसके उचित भिन्न भी आना चाहिए। जैसे एक सही 1/2, एक सही 1/2। तो ये जो एक है ये हमारा पूर्ण संख्या को दर्शा रहा है और जो ये 1/2 है ये हमारा उचित भिन्न को दर्शाता है। ठीक है, कभी भी मिश्र भिन्न के साथ अनुचित भिन्न नहीं आता, उचित भिन्न ही आता है। ठीक है, अनुचित भिन्न आएगा तो कभी मिश्र भिन्न नहीं होगा। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें यस हम मैम, देखेंगे, पोल नंबर हाँ पोल में ही क्वेश्चन मिलेगा अभी। एक मिनट बेटा, जरा स्क्रीन चलेगी, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, एक मिनट रुकेगा। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे एक भिन्न से दूसरे भिन्न में हम परिवर्तित करते हैं, के कन्वर्जन देखेंगे। मुझे नहीं। बताइए, हाँ मुझे बताइएगा स्क्रीन दिख रही है या नहीं, मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, हाँ गई मैम, गई। आ गई। यस मैम। अच्छी बात। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिखा है रूपांतरण भिन्नों का। सबसे पहला है मिश्र भिन्न, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न। देखो जैसे आपको साफ नजर आ रहा है 76/9 एक अनुचित भिन्न है, इसको मैंने मिश्र भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, भाग दे दो, सबसे पहले भाग ही दे सकते हो और क्या करोगे, है ना। 76 को 9 से, 9 8 72, 4 बचा शेष। तो अब हम लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो नीचे आएगा, 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 नीचे, जो संख्या शेष बची, जो संख्या बच गई शेष वो ऊपर आती है, और जो भागफल होता है वो आता है आगे, जो भागफल होता है वो आता है आगे। प्रिया भारद्वाज के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक म्यूट रखो, बताइए क्लियर हुआ। हाँ, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो आएगा नीचे, जिससे भाग दे रहे हैं नीचे आएगा, शेष जो बचता है वो ऊपर आएगा, और जो भागफल होता है वो आगे आएगा। 8 सही 4/9, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैम, इसको उतार लो कॉपी में, फिर अगला क्वेश्चन आप करोगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करना। उतार लिया। रुको, हाँ कोई बात नहीं, उतार लो उतार लो। उतार ठीक है, इस वाले को करो, 15/4 को लिखो जरा। कैसे लिखोगे इसको, मिश्र भिन्न में। पा 15 को 4 से भाग करना है। हाँ 15 को 4 से भाग देना है, सेम वैसे जैसे पहले किया है। वेरी गुड, बढ़िया, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड अमित, यस बढ़िया बेटा, गुड 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 गुड। चलो तो क्या किया आपने, भाग दे दिया होगा, 14 तिया 4 तिया 12, 3 शेष बच गया। अब मैंने क्या बोला, कैसे लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आएगा, जो शेष बचा
रिमाइंडर जो है वो आएगा ऊपर और जो भागफल है वो आएगा आगे। तीन सही तीन बटे चार, तीन सही तीन बटे चार, सभी का ही आया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो था हमारा कि हम कैसे विषम भिन्न से या अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलते हैं। अब इसका उल्टा भी तो आ सकता है, उल्टा मतलब कि कैसे मिश्र भिन्न से हम अनुचित भिन्न में बदलते हैं, तो वो देखो यहाँ पे। दो एक बटे आठ को आपने विषम भिन्न, विषम भिन्न मतलब ही अनुचित भिन्न होता है, बदलना है। कैसे बदलेंगे देखो, तरीका क्या होता है, तरीका होता है ध्यान से देखिएगा, आपको उल्टा चलना होता है नीचे से ऊपर की तरफ को। आप थे आठ में, मैंने कहा उल्टा चलना है नीचे से ऊपर को, आठ से आप पहुंचे दो में तो गुणा कर दो, आठ से पहुंचोगे दो में तो गुणा कर दो, दो से पहुंचोगे एक में तो जोड़ लगा दो, नीचे आठ है ही, आठ को दो से गुणा करोगे सोलह प्लस एक बटे आठ, सत्रह बटे आठ इसका उत्तर है। वेरी गुड, ठीक है, उल्टा जाना है आपने नीचे से ऊपर की तरफ को, पहले गुणा, गुणा के बाद जोड़। क्लियर? चलिए एक मैं करवाती, मतलब एक मैंने करवा दिया, एक आप करोगे, इसको करो फिर पोल में करेंगे। तीन सही पांच बट्टे सात को, नहीं भाग नहीं करना, भाग तो तब करते जब ये अनुचित भिन्न होता, मिश्र भिन्न में। हाँ जो अभी सिखाया ना, देखो जब भी मिश्र भिन्न के रूप में होगा तो आपको गुणा फिर जोड़ करना है, देख के पता चल जाएगा आपको। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। वेरी गुड, यस, कविता के नाम से बच्चा बेटा, वेरी गुड। देखो मैंने क्या बोला था, उल्टा जाना है आपने, सात से तीन में जाओगे गुणा करो, तीन से जब पांच में जाओगे जोड़ दो, बटे सात, सात दिया इक्कीस प्लस पांच बटे सात, छब्बीस बटे सात इसका उत्तर है, छब्बीस बटे सात। करे क्वेश्चन ना पोल में, सभी को क्लियर है तो। यस मैम, गुड। देखो पांच सही एक बटे तीन को आपने विषम भिन्न में लिखना है, अनुचित भिन्न में, बत्तीसवा जो भी सीख है। गुड, बेटा कॉपी कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया,
10 ही बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी करिए आंसर जल्दी जल्दी से, बाकी बच्चे भी आंसर करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। नहीं बेटा कॉपी नहीं दिखानी अभी, लास्ट में। ठीक है, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। हाँ अब दिखा दो कॉपी मुझे बाकी। यस वेरी गुड। हाँ। बेटा मुरारी के नाम से बच्चा है। बेटा आपने 15/3 क्यों लिखा बेटा, 15 में एक नहीं जोड़ा आपने। देखो यहां तक करा आपने, 3 को 5 से गुणा किया होगा, फिर 5 से 1 में पहुंचे। यहाँ एक नहीं लिखा आपने, यहाँ पे 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15 आएगा। 15 में 1 जोड़ोगे 16/3 था, आपने 15/3 लिखा है। ठीक है, 16/3 आएगा। वेरी गुड। हाँ बाकियों का ठीक है, जो कॉपी दिखा रहे हैं अमित नितिन, गुड। अगला क्वेश्चन करें, ये सीमा के नाम से बच्चा है। गुड यस मैम। ठीक है, शतोनाना 78/11 को मिश्र भिन्न में बेटा बदलो। 78/11 को याद है मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, भाग देके करो, भाग देके। हम 11 को 78 से नहीं बेटा, माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना, कॉपी में करो, मैं कॉपी देख लूंगी आपकी। गुड। अभी नहीं, एंड में कॉपी अभी पोल दिखानी है। बंद कर दूंगा ना, तब दिखाना, जब मैं बोलूंगी कॉपी दिखा दू तब। गुड, अभी जितने भी बच्चों ने किया है पोल में सबका ठीक है। बढ़िया, गुड। बाकी बच्चे भी करिए जल्दी जल्दी बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। हमारा सही बेटा जिन्होंने भी पोल में किया है ना, अगर आपने पोल में कर दिया है तो ठीक है, क्योंकि अभी तक किसी का गलत नहीं है पोल में, सबका ठीक है। कविता के नाम से जो बच्चा है, वीडियो बंद करो। देखो वीडियो ऑन करोगे ना आपका नेट बहुत ज्यादा फिनिश हो जाएगा फिर।
ठीक है, वीडियो बंद करो। वेरी गुड। तीन चार बच्चे और रह गए अभी। कितने बच्चे रहे? बेटा जल्दी से करो, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत टाइम लगा रहे हो आप इस क्वेश्चन में, तो इतना हार्ड भी नहीं है। हार्ड वाले में कितना टाइम नहीं चार लगाओगे? सवाल है। हाँ कुड़े ही। आखिरी की 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। देख हम बच्चे क्यों कर रहे हैं पोल में आंसर। बेटा ना टफ क्वेश्चन था गा कि आपको इतना टाइम लगा पोल में आंसर करने में। देखो सबसे पहले आपने भाग किया 78 को 11 से, 11 सत्ते 77, शेष बचा 1। अब लिखते कैसे हैं जिससे भाग देते हैं? किससे भाग दिया? 11 से, तो नीचे आएगा। जो शेष बचा, जो संख्या शेष बची वो ऊपर लिखी जाती है, और जो भागफल होता है वो आगे लिखा जाता है। 7 सही 1/11। 7 सही 1/11। वेरी गुड। हाँ देखो पोल में जिसने भी किया सबका ठीक है। बेटा बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आंसर किया है। पिछला क्वेश्चन इतने सारे बच्चों ने किया और ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, तो हर एक क्वेश्चन पोल में करना है। वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, गुड। ठीक है ठीक है। हाँ मुरारी के नाम से बच्चा है, करेक्ट है बेटा। आगे बढ़े अब हम अगले टॉपिक पे। मैम अगला है हमारा सरलतम रूप लिखना, भिन्नों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। देखो 10/8, मुझे 10 और 8 को ऐसी संख्या से काटना है, मतलब ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 10 भी आता हो 8 भी आता हो, या ऐसी संख्या जिससे 10 भी कट जाए और 8 भी। तो कैसे पता चलता है? मैंने ना इसकी इकाई वाली जगह देखी, यहाँ 0 है और नीचे 8 है। तो ऐसी संख्या जिसकी इकाई वाली जगह पे इन पांचों में से कोई भी एक अंक हो जाए, 0 2 4 6 8, वो 2 से ही कटता है, 2 से ही कटता है ना, तो इसके आखिर में 0 है, नीचे 8 है। हाँ 2 से कटेगा। कितनी बार कटेगा? 4 बार, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 5 भी आता हो और 4 भी आता हो। है कोई पहाड़ा आप लोग बताओ जिसमें 5 भी आता हो 4 भी? नहीं आता ना। नो मैम, इसलिए 5/4 इसका उत्तर है। क्लियर मैम? तो वहां तक हम काटते हैं जहां तक संख्या कट नहीं जाती। 15/20 को करो जरा सॉल्व। 15/20 को ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, दोनों को भाग कर दे पूरा पूरा। गुड। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ 5 से ही कटेगा। वेरी गुड अमित, वेरी गुड। देखो बेटा साफ नजर आ रहा है 15 और 20 तो 5 के पहाड़े में आते हैं। आता 3 के पहाड़ में भी 15 है, पर 3 के पहाड़ में फिर 20 नहीं आता, इसलिए 3 से ना काट के हम 5 से काटेंगे। 5 3 15, 5 चौके 20। 3/4 इसका उत्तर है। ठीक है 3/4। वेरी गुड सर। पोल में मिलेगा क्वेश्चन, बस एक और कर लेते हैं आखिर, इसके बाद पोल में है। वेरी गुड नितिन। ठीक है तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। तो कोई भी बच्चा ऐसा जिसे समझ में ना आ रहा हो पूछ लो। कोई भी है ऐसा बच्चा जिसे नहीं आ रहा हो समझ अभी भी? नो मैम। पूछ लेना बेटा, बार बार बोलती हूँ गलत
पोल में गलत करने से बढ़िया है कि आप पूछ लें मुझसे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपको एक समझ आ मिश्र भी रही है नजर भाई। आ रहा है, एक मिश्र आपको इसका सरलीकरण कैसे करेंगे? तो इस मिश्र भिन्न को पहले आपको किसमें बदलना पड़ेगा बताओ? पहले बदलो इसे विषम भिन्न में, वही जो अभी कर रहे थे, 6 से 7 में जाएंगे गुणा करेंगे, 7 से 4 में जाएंगे जोड़ देंगे, बटे 6, 7 6 जा 42 + 4 बटे 6, 42 और 4 46 बटे 6, 46 बटे 6। अब काट दो 46 बटे 6 को, दोनों ही 2 से भाग होगा, 2 से कैसे भाग होगा कैसे पता चला मुझे? मैंने इनका इकाई वाला अंक देखा, अब दोनों की इकाई में 6 है तो ये 2 से ही भाग होगा, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है? 3 बार ही। अब ऊपर वाली संख्या काटो, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है? 2 बार ही, 2 दूनी 4, और 6 कितनी बार आता है? 3 बार ही, 2 3 8 6, 23 बटे 3 इसका उत्तर है, 23 बटे 3। क्लियर? यस दोबारा समझाओ एक बार मैम। फिर से, ठीक है? नो मैम। एक और बार समझ लेते हैं। चलो देखो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इसे अनुचित भिन्न में बदला, यहां तक सभी को आ गया होगा। ये बना 46 बटे 6। अब ना ये 2 से ही कटेगा, 2 के पहाड़ में 6 3 बार आता है, लिख दिया। अब देखो 46 काटना है 2 से, देखो डायरेक्ट 46 नहीं कटेगा 2 से, तो पहला अंक लो, पहले पहला अंक है 4, तो 2 के पहाड़ में 4 कितनी बार आता है? 2 बार ही, 2 दूनी 4, 6 कितनी बार आता है? 3 बार, 2 3 8 6, 23 बटे 3। क्लियर हो गया? यस मैम। अब बताइए पोल में करें क्वेश्चन या अभी भी कोई ऐसा है जिसे नहीं आया हो? मैम पोल में करांगे। यस पोल में। यस ठीक है, मैम। पोल में करें। देखो 30 बटे 25 को लिखना, ठीक है? 30 बटे 25 का सरलतम रूप क्या होगा? आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। बढ़िया, वेरी गुड। मैम कॉपी दिखानी अभी। अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। क्योंकि अभी जिन्होंने भी पोल में किया है सबका ठीक है, ठीक है? मैम यस वेरी गुड, सभी बच्चे पोल में करेंगे आंसर, जितने भी हैं क्लास में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आना चाहिए पूरी। मेरा हाँ बेटा सबका आ गया है, मतलब जिन्होंने भी किया है ना दीदी, सबका नहीं आया पर जिन्होंने भी किया है सबका आंसर एकदम सही है, ठीक है? बढ़िया।
वेरी गुड। बेटा बेटा हाँ बेटा, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत टाइम लगाते हो आप लोग इजी सवाल में भी। आखिरी के 5 सेकंड्स और। मैम कर लिया। 5 4 3 2 1। अब जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट में कर दो, और कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि सबका ठीक है। कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है, सबका ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। साफ नजर आ रहा है ये 5 के पहाड़े में आते हैं दोनों। 5 6 30, 5 5 35, 5 6 30, 5 5 25, 6/5 इसका उत्तर है ए। यस वेरी गुड। ठीक है गुड। अगला क्वेश्चन, देखो 8/12, 8/12 को करो इस बार इसी तरीके का। मैम नहीं माइक ऑन करके नहीं बोलना बेटा। क्यों बोल रहे हो माइक ऑन करके? पहली बार क्लास ज्वाइन करी है क्या? पता है ना माइक ऑन करके नहीं करते आंसर। मैं मेरा पोल में सो रहता है। हाँ बेटा आ गया है, अगर कर दिया है तो आ गया और सभी का ठीक है। पोल बंद कर दो, खुला है। हाँ बेटा अभी कर रही हूँ, थोड़ा सा समय और दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, फिर पोल बंद कर रही हूँ मैं। आखिरी के 5 सेकंड्स और, 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। अब जिन बच्चों ने पोल में नहीं दिया था चैट सेक्शन में दे दो आंसर। इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, मैं डायरेक्ट इसे 4 से काट देती हूँ। 4 के पहाड़े में 8 आता है। हाँ 4 2 8 12 भी आता है। 4 3 12, 2/3 डी इसका उत्तर है। या आप लोगों ने इसे पहले 2 से काटा होगा, पहले 2 से भी काट सकते हैं। 2 6 8, 2 6 12, फिर 2 से काट दो, 2 2 4, 2 3 6, तब भी 2/3 ही आना है। तो या तो आप 4 से काटो या आप 2 से काटो, दोनों से आंसर आपका 2/3 ही आएगा। ठीक है इसमें यस। मुरारी के नाम से बच्चा, बेटा कहाँ गड़बड़ करी? गलत आया आंसर। वेरी गुड साहिल। ठीक है अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया। सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को आपने अनुचित भिन्न में बदलना है, उसके बाद इसका सरलतम रूप लिखना है, सरलीकरण करना है एंड में। बिल्कुल आराम से करना है क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप्स इसको चेंज करके, इसको बदल के अनुचित भिन्न में लिखो, विषम भिन्न में, जो अभी समझाया था नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला स्टेप।
वेरी गुड। अभी तक जिन्होंने भी आंसर किया फोन में सबका ठीक है। अच्छा बढ़िया, डबल चेक जरूर करना आंसर बेटा, ठीक है? दो दो बार चेक कर लेना हमारा सही है। बेटा। एक बच्चे का गलत है, अब वो आप भी हो सकते हो या कोई और भी हो सकता है ना? गुड। दो बच्चे और रह गए हैं पोल में आंसर करना नहीं है जिन्होंने। पांच सेकेंड्स और आखिरी की। 5, 4, 3, 2, 1। देखो पहले से बहुत अच्छा रिजल्ट है पिछले बार के क्वेश्चन से, एक ही का गलत है। तो चला चलो सभी बच्चे ना चैट सेक्शन में आंसर कर दो। वेरी गुड अमित। बढ़िया। चलो अब मैच करते हैं आंसर। तो मैंने कहा था सबसे पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलो, वो 10 से 3 में जाएंगे गुणा करो, 3 से 5 में जाएंगे जोड़ो। 10 या 30, 30 और 5 35/10। अब 35/10 दोनों 5 से जाते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/2। सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? और दिख रहा है सभी मैक्सिमम बच्चों ने सी ही किया है। क्लियर सभी को? Yes, चलिए बढ़िया, गुड। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम अगला है हमारा एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्यों देखेंगे? क्योंकि हमें जोड़ और घटा देखना है भिन्नों का। तो एलसीएम करना सभी को आता है, सभी को आता ही होगा। एक मैं करवाती हूँ, एक आप करोगे, फिर पोल में क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम के, ठीक है? तो एलसीएम करने का रूल यही है कि सबसे छोटी संख्या से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, सबसे छोटी संख्या। तो 24 को अगर आप देखो, ये 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी, 12 में भी, लेकिन मुझे सबसे छोटी संख्या लेनी। तो सबसे छोटी संख्या है 2, सबसे छोटी संख्या है 2, ठीक है? जैसे अभी हमने सरलीकरण में करा था ना, वही करना है। 2 के पहाड़े में 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, शून्य की जगह शून्य। फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 एकम 2, देखो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 2 आता 1 बार, 3 में से 2 गए, 1 बचा है 10 हो गया, 2 पंजे 10। फिर 2 से 2 तिया 6, 15 नहीं आता, ऐसे उतारो। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 5 से, और लास्ट में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये 5, 6 4 जा 24, 5 24 गुणा 5 120 इसका उत्तर है, 120। हाँ वेरी गुड, क्लियर हुआ? नियम यही है, सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है आपने, बाकी आप आगे कर ही लोगे। क्लियर? यस कोई ऐसा बच्चा जिसे किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो या नहीं समझ में आया तो पूछ लो। मैम, एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूँ?
देखो मैंने कहा सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं, तो 2 के पहाड़े में 24, वैसे तो आप नहीं बता सकते ना, लेकिन काट दो, डिवाइड कर दो। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आएगा? 1 बार। 4 कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आएगा? 3 बार, 0 की जगह 6। फिर 2 के पहाड़े में 12, 6 बार। फिर 2 के पहाड़े में 30, भाग दो। 2 एकम 2, देखो 3 तो आता नहीं है ना 2 के पहाड़े में, 2 तो आता है कितनी बार? 1 बार। 2 एकम 2, अब 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 1 यहाँ 0 के साथ लग जाएगा, तो ये 10 बन गया। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? 5 बार। फिर 2 से 2 3 6 15 आता नहीं है, ऐसे उतार दो। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और फिर 5 से लास्ट में 1 1 आना चाहिए, तब हमारा आंसर आ जाता है। फिर सिंपल गुणा कर दी, गुणा करके आ गए 120। ठीक है, चलिए ये वाला आप करो। 3 नंबर का एक साथ, 3 12 और 16 का, ये सबकी कॉपी देखूंगी मैं। ठीक है, करिए। फिर कॉपी भी दिखा देना किसका हो जाए। मीरा के नाम से बच्चा है बेटा। लास्ट में जो आपने 4 से किया है ना, उसको 2 लिखो। 2 से 4 को काटो, फिर 2 आएगा, डायरेक्ट 4 मत लिखो। ठीक है, हाँ 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 ऐसी, हाँ हाँ ठीक है, ठीक करेक्ट है, बढ़िया। अमित आपका ठीक है बेटा। ज़ाहिर ठीक है बेटा। करेक्ट। कविता के नाम से बच्चा, आपने भी वही गलती करी बेटा। डायरेक्ट 4 मत लिखो ना लास्ट में, अभी वो 2 से जाएगा 4, फिर 2 आएगा, डायरेक्ट 4 मत लिखो। अब मैं बताऊंगी हम डायरेक्ट 4 क्यों नहीं लिखते। प्रीति के नाम से बच्चा, आपने भी यही मिस्टेक करी, डायरेक्ट 4 से काट दिया। मैंने क्या कहा, सबसे छोटी संख्या से शुरू करो, सबसे छोटी। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रीति के नाम से बच्चा करेक्ट है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं करते हम। यह सीमा के नाम से बच्चा बेटा, करेक्ट है, बढ़िया। चलिए अब मैं करवाती हूँ इस वाले को, बाकी मुझसे मैच कर लेंगे। देखो 2 से जाएगा, 3 जाता नहीं है, स्वीकार है। 2 छक्के 12। देखो अगर आप यहाँ पे ये करते, 4 से कर देते, 4 3 18, 4 चौके 16, ये गलत होता। ठीक है, गलत होता ये। देखो करते अगर आप यहाँ पे, ये भी कर सकते थे 12, डायरेक्ट 12 से काट देते, 12 एकम 12। अगर आप ऐसे करते फिर 16 से कर देते, तो आपका आंसर कभी सही नहीं आता, गलत आता। इसलिए मैं बोल रही हूँ सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, 2 छक्के 12, 2 8 16। फिर 2 2 3 6, 2 छक्के 12। फिर 2, जब तक 2 से ना कट जाए, 2 2 4, 2 एकम 2, फिर 3। आप कर दो गुणा, 2 2 4, 2 2 4, 3, 4 4 जा 16, 3 16 3 जा 48, 48, 16 3 48। क्लियर है सभी को? यस पोल में करें क्वेश्चन। यस मैम। अठारह और 54 का एलसीएम निकालो, 18 एंड 54 का। अभी कॉपी में करो, बाद ही
फुल नाम से करेगा और वो ये नियम सबसे छोटी संख्या से शुरू करने। जी हम कॉपी भी दिखानी है। अभी नहीं, लास्ट में तुमने भी किया है फोन में सबका बहुत बढ़िया। माइक ऑन मत करो साइन। गुड, छह बच्चों का आया आंसर। ये बेटा क्लास से निकाल दूंगा, क्या बोल रहे? माइक ऑन मत करो ना। गुड, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी जल्दी। देखो टाइम अप होने वाला है, जल्दी से करो बात, काफी टाइम लगा रहे हो। मैम एक मिनट रेडी हो। सेकेंड्स और रख के 5 4 3 2 1। चलो बेटा कॉपी तो मैं देख पाऊंगी ना, बाकी सभी सेक्शन में कर दो आंसर। दो बच्चों के अलावा सभी लड़के, दो से काटा हुआ, दो नंबर टू
पांच आता है, चार आता है, 2 2 4 एक आता है, 1 माइनस करके 1 आया, 14 बचा, 2 से 3 3 3 9 27, फिर 3 से 3 1 3 3 3 9, 3 से 3 1 3, बस हो गया सब, 3 2 6 3 9, 6 9 जा, बिल्कुल चौवन सौ उत्तर है बी। ये सभी को एक ही बार 2 से जाता फिर सारा 3 से ही जा रहा, सभी को समझ में आ गया? ठीक है तो बेटा इसके आगे का देखिए, सैटरडे को अगली क्लास में सैटरडे, ठीक है, आप होमवर्क में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी कल 11:12 के बीच।